अस्सलाम वालेकुम एंड एवरीवन, ये आज आपको हम पूरा डेमो देंगे वाइटल साइन मॉनिटर का, अवांटे वेवलाइन इको फ्रॉम यूएसए। जैसे देखते हैं ये बॉक्स है हमारे पास, इसको पहले हम अनबॉक्स करेंगे। बॉक्स को ओपन करते साथ ही तो आपके पास पहले इसका आ जाएगा यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल इसका जो है वो कंसिस्ट करता है इसके मल्टीपल बुकलेट्स पे। एक इसकी जो अपनी ओरिजिनल है वो है आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास एक CO2 ऑपरेशन गाइड है, फिर आपके पास एक यूजर मैनुअल है जिससे आप IBP मॉनिटरिंग को देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये दो आप देख सकते हैं, ये IBP मॉनिटरिंग की किट्स हैं आपके पास। ये जो मेन बॉक्स है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक्सेसरी बॉक्स है और क्वांटिटी वन पीस, मतलब ये बॉक्स आपको एक मिलेगा। इसके अंदर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप देख सकते हैं वो पावर केबल है, फिर आपके पास एडल्ट कप है आपके पास, उसके बाद आपके पास IBP केबल है। इन सारी केबल्स के कनेक्शन आपको फर्दर वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास एक और IBP केबल है, फिर आपके पास ECG इंटीग्रेटेड केबल 5 लीड वायर है, फिर आपके पास 3 पिन टाइप स्किन टेम्परेचर प्रोब है, SpO2 मॉनिटरिंग प्रोब, और आपके पास नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर पाइप है, और ये आपके पास ECG के पैड्स हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास मेन मॉनिटर आ गया आपका, और बॉक्स के अंदर आपको एक मेन स्ट्रीम एटको 2 सेंसर भी अवेलेबल है, इसकी भी आगे वीडियो के अंदर आपको सारी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। मॉनिटर के अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको मल्टीपल सॉकेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास टेम्परेचर की सॉकेट है, आपके पास ECG की है, IBP1 IBP2 है के, फॉर एग्जाम्पल 2 क्यों है इसके अंदर के, अगर आपने कहीं से CVP लाइन पास करनी है, और दूसरा भी अगर आप उसके साथ ही फंक्शनल करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह से 2 किट्स आपको दी गई हैं साथ इसके। फिर यहाँ पे आपके पास ये CO2 कैपनोग्राफी मॉड्यूल के लिए है, ये नॉन इन्वेसिव IBP के लिए है, और ये पल्स ऑक्सीमीटर यहाँ पे कनेक्ट होता है। पीछे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास ईथरनेट केबल है, USB 2.0, VGA, ये आपके पास 2 फ्यूज हैं, ये आपके पास ग्राउंडिंग वायर के लिए है, और यहां पर आपकी ये पावर केबल यूज होगी। पावर केबल को आपने लगा देना है इसके साथ, और फिर ये चल जाएगी सॉकेट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन हो गया है इस साइन वेव के सामने, जिसका मतलब ये है कि इसको पीछे से जो सोर्स है वो कम्प्लीटली इसको पावर कर रहा है। यहाँ से आपने फिर इसको ऑन कर लेना है। डिस्प्ले के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि DRE एंड अनवांटे हेल्थ सॉल्यूशन कंपनी मल्टी पैरामीटर पेशेंट मॉनिटर वेव लाइन इको। ये लोड होगा और आपके पास यहाँ पर फिर एक स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ आपके पास जो आपका कार्डिक मॉनिटर है वो इस वक्त फंक्शनल है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर ये बेसिकली इसके आपके पास इसका अलार्म विजुअलाइजिंग सेंसर है, यहाँ पर ये आपको नजर आ जाता है। डिफरेंट कलर्स इसके अंदर है, कलर बेसिकली आपको इंटेंसिटी वेरी करते हैं कि किस इंटेंसिटी का अलार्म है इस वक्त। रेड मीन्स हाई, येलो मीन्स मीडियम, और जो आपके पास दूसरा ऑरेंज है दैट मीन्स मीडियोकर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ECG स्टार्ट में आपके पास ECG आ रहा है, फिर आपके पास प्लेथ जो कि आप SpO2 के लिए यूज़ करते हैं, फिर आपके पास इम्पिडेंस है, फिर CVP है, FAP है, यहाँ पे आपके पास आपको इसका हार्ट रेट नज़र आ रहा है, ये पल्स रेट आ गया, NIBP, यहाँ पे जब आप उसका ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो वो आ जाएगा, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, SpO2 की परसेंटेज, और फिर आपके पास रेस्पिरेशन, और फिर आगे आपके पास वही कैपनोग्राफी का भी चलता रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कनेक्शन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास प्रॉब यहाँ पर लगनी है वो सारी कलर कोडेड है, मतलब ये जो ग्रीन है ये आपके पास ECG की है। स्टार्ट कर लेते हैं ECG से। ECG का आपके पास ये पैक है,
इसको जब आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर कोडेड है, तो दैट मींस कि ये ग्रीन वाला जो है ये इधर जाएगा ईसीजी के अंदर। यहाँ पर एक एरो मार्क किया गया है, अगर आप इसको देखें तो आपको ये नजर आएगा यहाँ पर ये एरो मार्क है, इसका मतलब ये है कि ये आपने एरो को पॉइंट करना है अपवर्ड्स ताकि जो आपके पास स्ट्रोक का कनेक्शन है उसमें कोई मसला ना आए। नेक्स्ट हम ले लेते हैं आपके पास 3-pin स्किन टेम्परेचर प्रोब है, अगेन कलर कोडिंग आपके पास हुई हुई है और एरो का निशान आपने ये आपने ध्यान रखना है इसका, और यहां पर आपने इस प्रोब को कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं आपके पास आईबीबी प्रोब है आपकी। आईबीबी प्रोब को देखें अब तो आपके पास यहां पर एक मजेंटा टाइप से शेड है और ये इसका एरो है, आप इसको किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि कोई प्रोब जो वन के लिए डेडिकेटेड है आपने उसमें ही कनेक्ट करना है, आप इसको आईबीबी में या वन में या टू जहां पे आप चाहते हैं कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम एडल्ट SPO2 सेंसर फिंगर क्लिप के ऊपर आ जाते हैं। एडल्ट SPO2 सेंसर अगेन आपने एरो का ध्यान रखना है और यहां पर लोकेट करना है कि SPO2 किधर है और यहां पर आपने उसे कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास ब्लड प्रेशर पाइप है, ये आपने कनेक्ट कर दिया। इसी पाइप के आगे आपने ये हैंड कफ जो है ये ले लेना है और जो आपका पाइप था उसके आगे आपने इसको कनेक्ट कर देना है, तो आपके पास ये जो नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मेजर करने की जो आपके पास इक्विपमेंट है वो आपके पास रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एक IVP केबल और है जो कि आप लगा सकते हैं उसके साथ अगर आपको जरूरत हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं ये लगा देता हूँ। ये आपके पास रेडी हो गया। फाइनली आपके पास ये ETCO2 सेंसर है जो कि आप यूज कर सकते हैं। ये भी आपके पास कनेक्ट हो गया है और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर एक ग्रीन लाइट है जो कि आपके ऊपर विजिबिलिटी शो करेगी, इसका मतलब ये है कि आपका ETCO2 सेंसर जो है वो प्रॉपरली फंक्शनल है। अच्छा तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक एलिमेंट्स के मैं आपको शो करवाता जाऊंगा कि आपने उनको मेजरमेंट किस तरह करनी है उनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपका SPO2 सेंसर है, फिंगर क्लिप टाइप है। इसमें आपका जो फिंगर होती है उसका जो फ्लैश वाला पार्ट है वो आपके पास सेंसर की लाइट के ऊपर आता है और फिर आपने इसको बंद कर देना है। कुछ देर आपने वेट करना है फिर आपके पास SPO2 जो आपका है और आपकी जो प्लेथ वेव है वो जनरेट होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 98% इस वक्त SPO2 शो कर रहा है, ये आपकी प्लेथ वेव आ गई और यहाँ पर परफ्यूजन इंडेक्स आ गया आपका। नेक्स्ट आपके पास ये NIVP कफ आ गया, इसमें आपने देखना है दिस साइड टू द पेशेंट, कि मतलब ये वाली जो साइड है ये पेशेंट की तरफ आपने करनी है और यहाँ पर आपने इसको कवर कर लेना है अपने आर्म कफ को।
जब आप यहाँ पर इसको कवर कर लेंगे तो यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास बटन है NIBP का, आपने सिंपल इसको प्रेस करना है। जब आप ये प्रेस करेंगे तो वो ये कफ है इसमें वो प्रेशर इन्फ्लेट करना शुरू कर देगा। ये थोड़ी टाइम टेकिंग टेक्निक है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट द रिजल्ट्स विल बी एक्यूरेट। जैसा कि आप देख सकते हैं वो आपको डायस्टॉलिक और सिस्टॉलिक प्रेशर अब शो कर रहा है, दैट इज 115 एंड 67। नेक्स्ट आपके पास ये टेम्परेचर प्रोब है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं विद द टेप विद द पेशेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये T1 के ऊपर आपका टेम्परेचर आ रहा है जो कि ये प्रोब आपको इंडिकेट कर रही है। इसको जब आप प्रेस करके रखेंगे, लेट्स से कि मैंने इसे होल्ड किया तो आप टेम्परेचर के अंदर आप एक राइज देख सकते हैं, टेम्परेचर आपका उसी के हिसाब से चेंज होता जा रहा है। तो ये आपके पास आपकी जस्ट एक बेसिक टेम्परेचर प्रोब है जो आपको पेशेंट के टेम्परेचर के बारे में बताती है। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर प्रोब को रिलीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है अब डिक्रीज होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो आपके पास नॉर्मल सराउंडिंग एयर है इस वक्त रूम के अंदर वो आपके जो प्रोब का सेंसर है उसको अब कूल कर रही है। नेक्स्ट आपके पास हम आपको ECG का बताएंगे। ECG के बारे में ये प्रोब आप देख सकते हैं, ये 5 लीड ECG है जिससे आप मतलब के 3 लीड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और 5 लीड भी कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो इसमें मेन काम है वो ये है कि आपने 3 लीड यूज करें या 5 लीड यूज करें, आपने एंथोवियन ट्रायंगल बनाना है जिसके थ्रू आप ECG मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर लीड जो है एक डिफरेंट कलर कोडेड है जिसके पीछे आप देख सकते हैं। अब जैसे कि ये ब्लैक है उसके पीछे आप देखें तो ये लिखा हुआ है लेफ्ट आर्म, मतलब ये आपके पास लेफ्ट आर्म के ऊपर लगेगी। फिर आप नेक्स्ट पे देखें रेड वाली जो है वो शो आपको कर रही है लेफ्ट लेग, मतलब LL दैट मींस लेफ्ट लेग। फिर आपके पास जो है वो ब्राउन है, दैट इज V मतलब आपके पास जो चेस्ट के दरमियान में वहां पर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपके पास जो वाइट है, वाइट के ऊपर आप देख सकते हैं RA लिखा हुआ है, तो RA मींस राइट आर्म। एंड इन द लास्ट आपके पास ग्रीन है विच सेज RL दैट मींस द राइट लेग। यहाँ पर हमने अपने पास एक सब्जेक्ट पेशेंट लिया है और आप देख सकते हैं कि उसकी हम ECG मॉनिटर कर रहे हैं, उसका हार्ट रेट यहाँ पर 80 आ रहा है। ये लीड की आप प्लेसमेंट देख सकते हैं कि प्लेसमेंट किस तरह की गई है, ये आपके पास राइट आर्म है, ये आपके पास लेफ्ट आर्म है, सिमिलरली ये आपके पास राइट लेग है एंड यहाँ पर आपके पास ये राइट लेग है, सॉरी वो लेफ्ट लेग है, और ये आपके पास वी की पोजिशन होगी बिल्कुल राइट इन द सेंटर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ECG वो शो कर रहा है। नेक्स्ट हम अब आपको बताते हैं कि आपने इसके अंदर IBP कैलकुलेशंस कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने IBP प्रोब जो है उसके साथ आपने उसकी किट आपने अटैच कर देनी है, किट इसके अंदर होती है, किट आपने इसके साथ अटैच कर देनी है। यहाँ से ऐसे किट अटैच कर दी। किट अटैच करने के बाद सबसे पहला काम जो आपका होगा, आपने मोर के अंदर आना है, आपने इस नॉब को रोटेट करना है तो आप देखते हैं कि वो नॉब जो है आपके डिजायर्ड पॉइंट के ऊपर आ जाएगी। नॉब को जब आप मोर के ऊपर लेके जाएंगे आपने नॉब को प्रेस करना है, प्रेस करेंगे तो आपने देखना है यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा 0 IBP 1। डिपेंड करता है कि आप कौन से IBP प्रोब से मेजरमेंट कर रहे हैं, फिल वक्त हम IBP 1 से मेजर कर रहे हैं तो मैं इसको प्रेस करूंगा 0 IBP 1। 0 IBP 1 का मतलब ये है कि इसकी मैं 0 कैलिब्रेशन कर दूंगा। इसको करने के बाद आपने मेन मेन्यू के अंदर आ जाना है, मेन मेन्यू में जाने के बाद आपने पैरामीटर सेटअप में आ जाना है, पैरामीटर सेटअप में आने के बाद यहाँ पर आपको ये IBP नज़र आ रहा होगा, आपने IBP में आ जाना है, IBP 1 क्योंकि हम IBP 1 से कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट देख सकते हैं कि आप आ रहे हैं ART है, AO है, UAP, BAP, FAP, LV, PA, P1 एंड P2। ARTP आपने सेट कर देना है इसको और आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने ये किट लेनी है, किट का आपने
एक चीज पहले मैंने आपको बता दिया कि आपने इसकी जीरो कैलिब्रेशन करनी है। सेकंड ऑफ ऑल, ये जो आपके पास के टेस्ट के अंदर जो सेंसर है, इसको आपने पेशेंट के हार्ट मतलब मिड एक्सिलरी लेवल के ऊपर रखना है। ये आपके पास नॉब आप देख सकते हैं कि आपने नॉब है, ऑफ को आपने हमेशा रेड की तरफ रखना है। इससे होगा क्या कि यहां से कभी वो सलाइन सोल्यूशन जो है उसको लीक नहीं होने देगा। सलाइन सोल्यूशन को आपने अटैच करना है, सलाइन सोल्यूशन के ऊपर आपने 300 mmHg का प्रेशर अप्लाई करके रखना है एट ऑल टाइम्स। जब आप यहां से फिर अगेन इसको आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां से आपके पास सलाइन सोल्यूशन पास हो रहा है और यहां से आगे आपने इसको पेशेंट के आर्टेरियल AVP के अंदर आपने प्लग इन कर देना है। अब यहां पर आप देखें तो यहां पर आपको ये पैरामीटर के अगेंस्ट एक वेव फॉर्म चलता हुआ नजर आ रहा है। वो ये है कि अब ऑब्वियसली इसको जब आप पेशेंट के अंदर आप कर लेते हैं तो आपके पास रीडिंग आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको शेक कर रहा हूं तो उससे हो क्या रहा है कि आपके पास यहां पर आर्टेरियल वेव लाइन जो है वो आपको शो कर रही है। सिमिलरली अगर आप आर्टेरियल IBP प्रोब 2 को यूज करना चाह रहे हैं तो आपने अगेन उसको पहले 0 IBP 2 करना है। 0 IBP 2 करने के बाद आपने जाना है मेन मेन्यू के अंदर। मेन मेन्यू में आपने पैरामीटर सेटअप और IBP पर आ जाना है। IBP के अंदर फिर आपके पास यहां पर IBP 2, IBP 2 में आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स है। उसके अंदर आपके पास CVP है, ICP है, LAP है, RAP है, UVP है एंड P3 है और P4। जो भी आपने मेजर करना है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, क्लोज करके आप बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको हम अब एटको 2 मॉड्यूल के बारे में बताएंगे। एटको 2 मॉड्यूल का भी आपके पास अगेन वही चीज है कि आपने पहले मोर में जाना है, फिर आपने 0 CO2 मतलब आपने इस प्रोब को 0 कैलिब्रेट कर देना है। यहां पर जाकर आपने पुश करना है तो वो 0 कैलिब्रेट हो जाएगा। अब क्योंकि वेंटिलेटर यहां पर नहीं है तो सिंपल आपको ये बता देता हूं कि एटको 2 आपके पास CO2 मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। यहां पर आपके पास वेंटिलेटर का आपके पास यहां पर आके जो होज है या पाइप है उसका यहां पे कनेक्शन हो जाएगा और यहां से पेशेंट जो है जो रेस्पिरेशन करेगा वो आपको यहां पर एज अ ग्राफ के तौर पे शो हो जाएगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अब मैं इसके अंदर रेस्पायर करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक वेव फॉर्म शो होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी रेस्पिरेशन ने यहां पर वेव फॉर्म के ऊपर कुछ वेव्स रेंडर की थी, तो इसी तरह आप एटको 2 मॉड्यूल को भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। फाइनल हम अब एंड करेंगे प्रेजेंटेशन को, जो कि आपको सिंपल मैं इसके ऑपरेशन से बता देता हूं। मेन हमने जो आपके पास एक्सेसरीज थी वो हमने देख ली है, कि सारा आपने बेसिकली पेशेंट पैरामीटर जो मॉनिटर है उसके जो सारी आपके पास प्रॉब्स हैं उनके फंक्शंस को और उनको यूज कैसे करना है वो आपको बता दी है। अब जो आपको बेसिक जो रह गया है इसका ओवरव्यू वो आपको मैं बताऊंगा। ओवरव्यू में हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्रीन को देख लेते हैं। ये आपके पास यहाँ ऊपर इन्फॉर्मेशन बार है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा डिपार्टमेंट, उसका नेम, बेड नंबर और पेशेंट की टाइप, और आगे वो कुछ आपको अलार्म वगैरह बता रहा है कि क्या चीज़ कनेक्ट है क्या कनेक्ट नहीं है और आपको अलार्म्स की सिवेरिटी के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट आपके पास ये आपके पास वेव फॉर्म वाला सेगमेंट आ गया है और ये आपके पास इन्फॉर्मेशन सेगमेंट आ गया है। नीचे आप देखें तो आपके पास डिफरेंट यहां पर कुछ मेन्यू आ रहा है, उसमें हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि ये जो पेशेंट मॉनिटर है ये आपके पास टच कैपेबिलिटी के साथ है, इसके अंदर टच फीचर इनेबल्ड है। मोर में आप आ जाते हैं, मोर में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम के ऊपर है कि वॉल्यूम आपने कितना रखना है, हार्ट रेट का वॉल्यूम पूछ सकता है वो कि आपने मैक्सिमम कितना रखना है, तो मैक्सिमम 10 तक जाता है, मिनिमम 0 पे है, मतलब बिल्कुल उसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल डॉक्टर के ऊपर या आप हॉस्पिटल की यूज होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपके पास अलार्म का वॉल्यूम आ गया है और पल्स का वॉल्यूम है और कीपैड वॉल्यूम भी आपके पास इनेबल रख सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट आपके पास प्रिंट है, प्रिंट कैपेबिलिटी वो डिपेंड करता है कि अगर आपने वो रिक्वायर किया था तो अगर आपके हॉस्पिटल को वो दिया गया है तो प्रिंट की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है। 0 IBP 1 अगेन 0 कैलिब्रेशन करने के लिए IBP 1 प्रॉप की, IBP 2 प्रॉप की और एटको 2 प्रॉप की। प्राइवेसी मोड लॉक कर देता है। नाइट मोड सिंपली जस्ट एक नाइट मोड है आपके पास। टच
टच को अगर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपके पास जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टच जो है उसको डिसेबल कर दिया गया है। अगेन टच के ऊपर आपने क्लिक करना है तो अब आपके पास जो टच है वो इनेबल कर दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर साइलेंस्ड के अलार्म, आप साइलेंस करना चाहते हैं तो अलार्म आप साइलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अब एक साइलेंस का की आ गया है। नेक्स्ट पॉज्ड के अगर आप पॉज करना चाहते हैं, अब अलार्म सारे इस वक्त आपके पास पॉज हो गए हैं, कोई अलार्म आपको वो शो नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं एक यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया कि जी अलार्म को पॉज कर दिया गया है और आपके पास इतने सेकंड्स बाकी हैं जब वो दोबारा स्टार्ट हो सकता है। अब मैंने पॉज के बटन पे दोबारा क्लिक किया तो उसने इंस्टेंटेनियसली उसको दोबारा ऑन कर दिया। अलार्म सेटअप के अंदर आप आ जाएं तो अलार्म सेटिंग के अंदर आप जा सकते हैं। अलार्म सेटिंग के अंदर अगेन के अलार्म की वॉल्यूम आपने कितनी रखनी है, अभी हमने पॉज किया था तो पॉज टाइम जो है उसको आप कर सकते हैं चेंज अनलिमिटेड, मतलब कि जब आप पॉज करेंगे तो जब तक आप उसको ऑन पॉज नहीं करते तब तक वो उसको इनेबल नहीं करेगा। बाकी इसकी 15 मिनट तक है आपके पास कैपेबिलिटी, 1, 2, 3, 5, 10 एंड 15 एंड देन अनलिमिटेड। अगेन आपके पास फिर लैचिंग अलार्म है। लैचिंग अलार्म का मतलब होता है कि एक अलार्म के बाद साइमल्टेनियस जो अलार्म्स हैं वो आए ना आए। नॉन लैचिंग हमने इसके ऊपर किया हुआ है। नॉन लैचिंग से बेसिकली होगा ये आपके पास के फॉरन क्लस्टर ऑफ अलार्म्स एट द सेम स्पॉट आपके नहीं आते, वो आपको वन अलार्म एट अ टाइम शो करेगा। नेक्स्ट आपके पास पेशेंट सेटअप आ जाता है। पेशेंट सेटअप के अंदर अगर आप चले जाएं तो आप पहले एडमिट पेशेंट करते हैं, वो फिर आपसे पूछेगा क्लियर पेशेंट डाटा एंड एडमिट अ न्यू पेशेंट, तो आप कंफर्म कर दें। जब आप ये कंफर्म कर देंगे तो आपके पास जो पहला पेशेंट होगा उसको वो डिस्चार्ज करेगा। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर आप न्यू पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। एडमिट पेशेंट के अंदर जब वो डिस्चार्ज कर देगा उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी पेशेंट आईडी। पेशेंट आईडी के ऊपर आप यहां पर जाके आपने एक दफा इसको प्रेस करना है। यहां पर आप इसको एक दफा प्रेस करेंगे तो वो आपके पास ये खोल देगा। अब आपने पेशेंट आईडी के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं, 564 उसको आप एंटर कर लें। जब आपने इसको एंटर कर दिया है तब तो आप लास्ट नेम को एंटर कर सकते हैं। लास्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे अगर लास्ट नेम है तो जस्ट फॉर द एग्जांपल एक्स वाई जी कर लें। फर्स्ट नेम जो है उसको हम ए बी सी कर लेते हैं। बेड नंबर डिपेंड करता है कौन से बेड के ऊपर है तो वो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आपके पास पेशेंट की टाइप आप चूज कर सकते हैं कि पेशेंट आपके पास एडल्ट है, पीड है या नियोनेट है आपके पास, तो एडल्ट आप चूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास जेंडर जो है उसको आप चूज कर सकते हैं, मेल है फीमेल है। फिर पेस मतलब पेस मेकर इंस्टॉल है पेशेंट के अंदर या नहीं। नेक्स्ट में उसकी बर्थडे है तो बर्थडे का वो आपको मतलब कि उसकी बर्थ डेट क्या है तो वो आपको बता। यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मेट आ रहा होगा वाई बाय वाई, मतलब ईयर आपने यहाँ पर एंटर करना है, मंथ यहाँ पर, डेट यहाँ पर, और फिर आपने सारे को कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करेंगे तो आपके पास वो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास पेशेंट का आ गया, उसका लास्ट नेम पहले आएगा फिर देन उसका फर्स्ट नेम आएगा, बेड नंबर 10 है, टाइप एडल्ट है वो। अगले स्टेप में आप आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन्स का ऑप्शन है। स्क्रीन्स के ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं, मिनी ट्रेंड एनआईबीपी रिव्यू आ रहा है, ऑक्सीजन सीआरजी आ रहा है, मिनी ट्रेंड आ रहा है, बिग न्यूमेरिक्स, नॉर्मल। बिग न्यूमेरिक्स अगर हम देखते हैं तो बिग न्यूमेरिक्स में आपके पास जो स्क्रीन है वो एक क्वाड्रेंट बन जाती है। क्वाड्रेंट में आपके पास चार जो आपने पैरामीटर सेलेक्ट किए हुए हैं उनको वो यहाँ पर शो करेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के कोई पेशेंट होता है जिसके आपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि जो आपके लिए वाइटल हैं आपने वो मॉनिटर करने हैं तो उसके लिए आप फिर ये बिग न्यूमेरिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिग न्यूमेरिक्स में ये चार स्क्रीन्स आपके पास आ जाती हैं, इन चारों को भी चेंज किया जा सकता है, वो भी आपको बता देते हैं कि वो किस तरह करते हैं। आप एचआर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो हार्ट रेट के अंदर ले जाएगा। जब आप SpO2 पे क्लिक करेंगे अगेन तो वो आपको SpO2 के अंदर ले जाएगा। NIBP पे क्लिक करेंगे तो वो NIBP के ऑप्शंस ओपन कर देगा। रेस्पिरेशन करेंगे तो वो रेस्पिरेशन के आपको शो कर देगा। फिर आप दोबारा स्क्रीन पर आ जाएं। स्क्रीन में जब आप नॉर्मल पे अगर जाते हैं तो नॉर्मल में जाके आपके पास अगेन बैक टू नॉर्मल जो आपके पास स्क्रीन थी वो आ जाएगी। NIBP रिव्यू के अंदर चले जाते हैं तो वो स्क्रीन के अंदर यहाँ पर आपको सिर्फ जो नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर है उसकी मेजरमेंट आपको के टाइम, उसका हार्ट रेट, SpO2, PR, सिस, मीन, डाया, वो सारा आपको वो शो करेगा।
ऑक्सीजन सी आर जी के अंदर चले जाते हैं तो वो अगेन यहाँ पर आपके पास उसके मुताबिक उस पैरामीटर जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्राफ उसका शो करेगा। फिर आपके पास मिनी ट्रेंड आ जाता है, मिनी ट्रेंड के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो आपके पास जो हर वेवफॉर्म है उसके आगे उसका मिनी ट्रेंड वो आपको शो कर रहा है कि उसका ग्राफ बनेगा कि कब 95 मतलब फॉर एग्जांपल अगर हार्ट रेट है आपके पास तो किस टाइम पे हार्ट रेट जो है उसका कितना एक्सीड किया 160 200 वॉट एवर द वैल्यू इज वो आपको एक मिनी ट्रेंड के तौर पर यहाँ पर शो करेगा। बाकी नॉर्मल पर आप क्लिक करेंगे तो वो बैक टू द नॉर्मल स्टेज। रिव्यू में अगर आप क्लिक करते हैं तो वो आपके पास रिव्यू में ग्राफिक ट्रेंड ट्रेवलर ट्रेंड्स इवेंट्स आपको शो कर रहा है कि आपने मतलब कि जो भी आपके पास ट्रेंड्स थे जो भी पेशेंट के साथ अटैच किए हुए थे आपने प्रॉब्स वगैरह उनका जो ट्रेंड था वो क्या था कि मतलब उसकी ECG मैयर की तो उसका वो आपको ट्रेंड बताएगा किस टाइम पे उसका SpO2 कितना था NIBP कितना था HR कितना था ART CVP जो भी आप मैयर कर रहे थे स्पेसिफिक पेशेंट के साथ वो आपको रिव्यू के अंदर बताएगा। वो नेक्स्ट आपके पास NIBP स्टार्ट है। NIBP स्टार्ट अगेन वही चीज़ है कि जब आप हैंडकफ बांध देते हैं पेशेंट को तो आप उसका स्टार्ट करेंगे तो वो उसका नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मेजर करना शुरू कर देता है। मेन्यू के अंदर अगर आप आ जाएं यहाँ पर अगेन पेशेंट सेटअप में आप आ सकते हैं। पेशेंट सेटअप के अंदर आके अगेन वही कि एडमिट पेशेंट पेशेंट इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट पेशेंट डाटा डिस्चार्ज पेशेंट वो आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पेशेंट डाटा से ये होगा कि अगर आपने बैक में आपको दिखाया गया था कि दो आपके पास USB के मॉड्यूल्स हैं तो उसमें अगर आप USB लगाते हैं तो एक्सपोर्ट पेशेंट डाटा करते हैं तो जो सारा पेशेंट्स का डाटा होगा वो उसके अंदर चला जाएगा USB के अंदर तो आप उसको फर्दर अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरामीटर सेटअप में आ जाएंगे तो पैरामीटर स्विच है आपके पास। पैरामीटर स्विच में बेसिकली आप जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ECG SpO2 PR एंड अदर पैरामीटर्स ये ब्लू हुए हैं। पैरामीटर स्विच बेसिकली आपके पास करता क्या है वो करता आपके पास ये है कि यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं इस वक्त कि आपके पास ECG ऑन है SpO2 ऑन है रेस्पिरेशन ART CVP CO2 आप मॉनिटर कर रहे हैं तो ये ऑन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ज़्यादा क्लस्टर बना हुआ है तो कुछ जो पैरामेडिकल स्टाफ है डॉक्टर्स वगैरह हैं वो इस चीज़ को डिसलाइक करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हैं या जो उनको पैरामीटर ज़रूरी हैं वो सिर्फ आप उनको ऑन कर सकते हैं। वो कैसे पैरामीटर स्विच से। पैरामीटर स्विच में अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको अगर IBP1 की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ऑफ कर दें। IBP2 की ज़रूरत नहीं है इसको भी ऑफ़ कर दें। अगर CO2 की भी ज़रूरत नहीं है इसको भी ऑफ़ कर दें। अब मैंने ये तीन पैरामीटर्स ऑफ़ किए हैं तो इससे अब इन रिटर्न होगा क्या आपके पास कि आप देख सकते हैं कि आपके पास IBP1 IBP2 और ATCO2 का जो आपके पास यहाँ पर आ रहा था टेबुलर डाटा जो ग्राफ्स आ रहे थे और यहाँ पर दूसरा डिजिटल डाटा वो आपके पास चला गया। अगेन फिर पैरामीटर सेटअप के अंदर आके आप पैरामीटर स्विच है वहां से आके आप इनको दोबारा ऑन कर सकते हैं। जब आप इनको ऑन करेंगे तो अगेन आप देख सकते हैं कि आपके पास ART जो कि हमने IBP1 पे सेट किया हुआ है और CVP जो कि IBP2 पे सेट किया हुआ है वो आ गया और सामने उनकी वेवफॉर्म आ गया और यहां पर आपके पास ATCO2 का आपके पास वेवफॉर्म और दूसरा उसका डाटा आ जाएगा। पैरामीटर सेटअप के अंदर दोबारा जाएंगे आप तो बिग न्यूमेरिक्स में आपको बताया था कि स्क्रीन आपके पास क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड हो जाती है। यहां पर अब चार पैरामीटर्स आ गए हैं कि बिग न्यूमेरिक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो कौन से चार पैरामीटर्स जो हैं आपको स्क्रीन के ऊपर चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। आपको HR चाहिए SpO2 चाहिए NIBP चाहिए RESP चाहिए IBP1 IBP2 जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बिग न्यूमेरिक्स में वो आपको शो करेगा। आप इवन तक के ऑफ भी कर सकते हैं। तो जो चार पैरामीटर्स आपको रिक्वायर्ड हैं बिग न्यूमेरिक्स के लिए वो आप यहाँ पे सेट करके स्क्रीन्स में जाके बिग न्यूमेरिक्स सेलेक्ट करेंगे तो वो चार पैरामीटर वहाँ पे शो होंगे। ECG में आ जाते हैं। ECG में आपके पास वो सेटअप में आ जाएंगे। आप पहले लीड सेटअप में आ जाए तो आपके पास जो आपको दिखाया गया था इन द पास्ट वो आपको बताया गया था कि जो लीड सेटअप है वो आपके पास फाइव लीड टोटल सेटअप है लेकिन इस मॉनिटर के अंदर आप उसको 3 लीड पे भी कर सकते हैं 5 लीड पे भी कर सकते हैं और ऑटो पे भी कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होता है जिनका 3 लीड से मॉनिटर नहीं हो रहा होता है या 5 लीड से मॉनिटर होता है। कुछ का होता है जो 5 लीड से नहीं 3 लीड से मॉनिटर होता है तो इसीलिए कुछ डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं कि इसको ऑटो पे रखते हैं। लीड्स आप 5 की 5 कनेक्ट कर देते हैं और उसे ऑटो पे रख लेते हैं तो जो मॉनिटर का जो AI है वो खुद इस चीज को
रियलाइज कर लेता है कि आपने किस टाइम पर जो किस सेटअप लीड सेटअप के ऊपर आपने मॉनिटर करना है। फिल्टर मोड आपके पास मॉनिटर है, डायग्नोसिस है, सर्जरी है, मॉनिटर पे रखते हैं क्योंकि आपने मॉनिटर पे करना है। नॉच फिल्टर अगेन कि आपके पास जो अनवांटेड जो आ जाती हैं वेव फॉर्म, जो फ्रिक्वेंसीज आती हैं उनको निगेट करने के लिए है। वेव फॉर्म की स्पीड 25, 50, 12.5 के ऊपर आप सेट कर सकते हैं। वेव फॉर्म का गेन के जो वेव फॉर्म आपके पास आ रहा है, कुछ पेशेंट्स होते हैं उनका वेव फॉर्म जो होता है वो बहुत आपके पास छोटा आ रहा होता है, उसकी वजह होती है कुछ पेस मेकर होता है, कुछ होता है कि उनका हार्ट जो होता है वो प्रॉपर आपको लीड्स को ECG मतलब पल्स जो होती है वो जनरेट नहीं हो रही होती। तो आप उनको कर सकते हैं कि जो वेव फॉर्म बन रहा है टाइम टू सिंपल उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय टू, मतलब उसकी जो वेव फॉर्म है अगर बहुत छोटी है तो वो उसे थोड़ा बड़ा कर देगा। टाइम्स टू या ऑटो कर सकते हैं आप, 0.125, 0.25, 0.5 ये भी कर सकते हैं आप। पेस स्विच अगर पेस मेकर है, पेस रिजेक्ट के पेस मेकर लगा और उसकी जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको आप रिजेक्ट करना चाहते हैं। स्मार्ट लीड कैलकुलेशन वो आपके पास वही है कि जो आपने लीड्स लगाई हुई हैं वो ऑटोमेटिकली उनमें से देख लेता है कि कौन सी लीड आपको जो है अच्छा सोर्स दे रही है, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपके पास HR सोर्स है, HR सोर्स में आपके पास ECG है या SpO2। HR मतलब हार्ट रेट, तो आपके पास जो SpO2 प्रॉब है आपकी आप उससे भी हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं और आप ECG से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हार्ट रेट का सोर्स जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे ECG रखना चाहते हैं या SpO2 प्रॉब पे रखना चाहते हैं। आगे आ जाएंगे तो आपके पास आगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बेसिकली वो कैलकुलेट करता है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल लीड सेटअप कि आप उसे बताना चाह रहे हैं कि पेशेंट की कौन सी लीड से आप ये कैलकुलेट करें, लीड वन से या लीड टू से। एपनिया डिले 10 सेकंड्स है आपके पास, यहाँ पे इसको आप चेंज कर सकते हैं 15, 20, 25, 30, 35, 40 और वापस 10 सेकंड्स के ऊपर। वेव फॉर्म स्पीड अगेन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वेव फॉर्म का गेन है आपके पास और RR सोर्स वो आपके पास रेस्पिरेशन है। टेम्परेचर, टेम्परेचर में सिंपल आपके पास यूनिट है, आप सेल्सियस में कर सकते हैं या फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं। SpO2 में आ जाएं तो SpO2 में आप मोड के ऊपर एंटी इंटरफेरेंस, फास्ट, नॉर्मल। सेंसिटिविटी में आप आ जाएं तो आपके पास इसमें ऑप्शन है फास्ट, नॉर्मल के। वेव फॉर्म स्टाइल लाइन है, फिल है, तो फिल में अगर आप करना चाहते हैं वो आप फिल में कर सकते हैं, लाइन में करना चाहते हैं तो आप लाइन के ऊपर भी कर सकते हैं। वेव फॉर्म की स्पीड अगेन और पल्स सोर्स आपके पास SpO2। NIBP में अगर आप आ जाएं तो इंटरवल टाइम आप सेट कर सकते हैं कि आपने कितने टाइम के बाद दोबारा इसका पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो NIBP मॉड्यूल के थ्रू कैलकुलेट करना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 से लेकर 10, 15, 30 और 1 घंटे तक 90 मिनट्स, 120, 180, 240 आप 480 मिनट्स तक आप जा सकते हैं। मैनुअल अगर आप कर देंगे तो आपको बार बार खुद आके मेजर करना पड़ेगा उसका। इनिशियल प्रेशर कि आपने स्टार्टिंग में इनिशियल प्रेशर कितना रखना है वो आप 150 रख दें। यूनिट आप MMAG या किलो पास्कल के अंदर भी रख सकते हैं आप। CO2 के अंदर आप आ जाएं तो ETCO2 के अंदर आपके पास ऑपरेटिंग मोड में या स्टैंड बाय में है, वेव फॉर्म स्पीड है, वेव फॉर्म स्टाइल है कि फिल आपने रखना है या लाइन रखना है, एपनिया डिले आपके पास आ गया है, गैस का टेम्परेचर आ गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास आ गया है, रेस्पिरेशन कैलकुलेट लेंथ के कितना आप जो रेस्पायर करेगा उसकी लेंथ कितनी होगी जो कैलकुलेट करनी है, हायर लिमिट, लोअर लिमिट एंड यूनिट। गैस कंपनसेशन के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप गैस को कंपनसेट कर सकते हैं कि O2 का कंटेंट आपने कितना रखना है, 21 अप टू 100, बैलेंस्ड गैस, इंडोर एयर है, N2O है, हीलियम है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। एनेस्थेटिक कंटेंट के आपने कितना एनेस्थीजिया दिया है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कितना एनेस्थीजिया कंटेंट आपने पेशेंट को दिया है। नेक्स्ट आपके पास IBP आ गया। IBP में अगेन आपने यहाँ पर आ जाना है IBP 1 में। IBP 1 में आपके पास 9 मोड्स होते हैं, ART, AO, UAP, BAP, FAP, LV, PA, P1, P2, वेवफॉर्म स्पीड, हाई लिमिट, लोअर लिमिट। IBP 2 के अंदर आपके पास डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं, CVP है, ICP है, LAP है, RAP, UVP, P3, P4, CVP अगेन। फिर आपके पास वेवफॉर्म स्पीड है, हायर लिमिट, लोअर लिमिट और यूनिट आपने मेजर किसमें करना है, अगेन MMHG या किलो पास्कल्स के अंदर। अलार्म सेटअप के अंदर आप आ जाएं तो अलार्म सेटअप के अंदर आप सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगेन वही के 1 मिनट पॉज टाइम, लैचिंग अलार्म, पैरामीटर के अलार्म्स के अंदर अगर आप आ जाएं तो हर पैरामीटर का यहाँ पे आपको अलार्म नजर आता है। स्विचेस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं कि किस पैरामीटर का आपने जो अलार्म है उसको ऑन रखना है और किसको ऑफ रखना है। अगर आपको हार्ट रेट की नहीं जरूरत, सिंपल इसको आप ऑफ कर दें तो इसका अलार्म वो आपको नहीं देगा।
अगर आपको RR की भी नहीं ज़रूरत तो इसको भी ऑफ़ कर दें, SPO2 की नहीं ज़रूरत तो इसको ऑफ़ कर दें, अगर ज़रूरत है तो आप दोबारा से इनको ऑन कर सकते हैं। मेंटेनेंस के अंदर आ जाएंगे तो ये कंपनी जो आपको ये मॉनिटर्स प्रोवाइड करती है ये सारा उनके लिए है। सिस्टम सेटअप के अंदर आप आ जाएं तो इसके अंदर आप इसका ईथरनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप देख सकते हैं, ब्राइटनेस को आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस आपने कितनी रखनी है, ब्राइटनेस को आप 1 पे कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस जो है उसकी इंटेंसिटी शिफ्ट कर गई है, इसको 10 पे रखें तो बेटर है। टाइम अगेन कि आपने टाइम वगैरह सारा सेटअप आपने यहाँ से करना हो, डेट फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट भी आप सेट चेंज कर सकते हैं, 20 टाइम फॉर्मेट के आपने जो क्लॉक का टाइम है वो कितना रखना है आपने यहाँ पे, टाइम फॉर्मेट के आपने 24 आवर सिस्टम रखना है या 12 आवर सिस्टम रखना है, टाइम जोन इसको आप +5 रखेंगे क्योंकि पाकिस्तान का वो होता है आपके +5 होता है कराची के साथ। लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच आपके पास है, रशियन है, स्पेनियल है, इटालियन है, टर्किश, पोर्टुगीज, डिफरेंट आपके पास लैंग्वेजेस आ जाती हैं इसके अंदर। नाइट मोड आप ऑन कर देंगे तो उससे सिंपल इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है जो कि नाइट के लिए आपके पास होता है, क्योंकि डार्कनेस इन द जो नाइट होती है आपके पास उसके अंदर लो ब्राइटनेस के ऊपर भी आप जो होता है विजिबिलिटी आपको सही तरह से नज़र आती है। नाइट मोड को आप चाहे तो ऑफ कर दें तो ब्राइटनेस बैक टू जो आपने सेट की होगी वहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपके पास आपका पूरा मॉनिटर था। इन एनी क्यूरी आपको जो भी ये कंपनी प्रोवाइड करेगी मॉनिटर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल, ये डेमो जो है आपको नॉलेजेबल लगा होगा। फर्दर अगर कोई क्यूरीज है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।